जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रहमतुल्लाह बरकातहू। कैसे हैं जी? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, शाद रखे, बाद रखे और बुरे शोकतों से बचाए। तो जी आज अभी मैंने देखा महवेश की धुलाई उनके सासू माँ ने की है, क्योंकि जब फिर इंसान अपनी ज़बान नहीं देखता और बातें इधर यूट्यूब पर लेके आता है तो फिर बड़े भी लिहाज नहीं करते। जिस तरह उन्होंने इसके सारे झूठ आज निकाल दिए इनकी सासू माँ ने, कि सिर्फ ये व्लॉगिंग के लिए कपड़े वगैरह धुलाई करती थी, मैं खुद सारे कपड़े धोया करती थी, और ये एंड पे आके एक दो मतलब बीच में कूड़ डाल दिए, और बाद में कहना हम लोग यही कहते थे कि महवेश ने इतना कपड़ा धोया, तारें भर दी, ये किया वो किया। और उन्होंने कहा कि जिस तरह जब घर बना तो मज़दूरों को चाय मैं बना के देती थी। हाँ ये है, उनकी वालदा काम करती है काफ़ी, घर में भी वो लगी रहती हैं, खाना बना रही हैं, रोटियां बना रही हैं, जो कुछ भी कर रही हैं वो लगी रहती है, वो फारिग बैठने वाली औरत नहीं है। तो देखें जी, जब आप अपने घर की बातें निकालेंगे, बड़ों को जलील करेंगे, ख्वार करेंगे, तो बड़े भी आपका कभी भी लिहाज नहीं करेंगे, फिर वो ससुराल वाले कभी भी नहीं करते। ना तो ये शोहर की रख रही है, ना ये सासू माँ की रख रही है, ये मतलब ये अपने कमेंट देख ले, इसको अपने कमेंटों पर ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। सबसे पहले तो इसकी ये गलती है कि अब्बास इसको नहीं जाने दे रहा था और ये ज़बरदस्ती गई है, और वो इसके भले की बात कर रहा था, ये कह रहा था मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे, तो ये लड़की फिर भी ज़िद करके चली गई। और अपने बस कमेंट देख ले, कमेंटों पे हर बंदा इनको यही कह रहा है कि ड्रामा कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, अपनी ज़बान देखो, जिस तरह ज़बान चला रही हो और थंबनेल लगा रही हो, उंगलियाँ उठा उठा के सिर्फ हुमैरा की शय पर यह सारा कुछ कर रही है। इसको पता है कि अली वीर मेरे साथ हैं, हुमैरा मेरे साथ है, जिस वजह से सारा कुछ किया जा रहा है। और मुझे इतना अफसोस हो रहा है ना इसके कमेंट पढ़ के, एक तो मुझे ये अफसोस हुआ कि जब इसको मतलब किसी ने कहा कि अपनी ज़बान देखो, ज़बान चला चला के तुम ना अपने आप को बदनाम कर रही हो, लेकिन ये लोग इस तरह की कुछ भी नहीं सोचते, इन्हें बस व्यूवर्स देखें, व्यूज़ चाहिए, और इनको डॉलर कमाने की बात है। और दूसरा मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम सितारा को रोते थे, किस तारा ने जब ये ड्रामा फेक किया था ना, तो उसके हस्बैंड की बहुत, अब जो महवेश अपने हस्बैंड के खोल रही है पोल और वो इसके खोल रहे हैं पोल, वो सुबह उन्होंने जब दिखाया कि किस तरह से मतलब इसने अपने कमरे में फैलावे फैलाए हुए हैं और इसको पता नहीं है सामान किस तरह लगाते हैं, जब उन्होंने लगाया था तो इसने आते उठा के सारा सामान एक साइड पर कर दिया, और इसने वो जो सारा सामान अपने हिसाब से लगवाया, तो सुबह फ्याज और उनकी वालदा कह रहे थे कि किस तरह आपने किया हुआ है, अपने सामान को सही तरह से संभालो, इस तरह जोड़ो, इस तरह रखो, इस तरह करो, तो वो नुस्खा आ गए। तो उसके बाद जो हुआ, जो महवेश है, महवेश ने उधर जब अपने हस्बैंड के पोल खोले और लोगों को दिखाया कि मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया, उसने भी थंबनेल लगाया हुआ था कि महवेश चोरी करके ले गए, क्योंकि ये रियल लड़ाई नहीं है। अगर रियल लड़ाई होती तो उसमें इतना घटिया हद तक बंदा जाता ही नहीं है, बंदा सोचता है कि हमारा कोई ना कोई रास्ता बच जाए, लेकिन क्योंकि ये फेक ड्रामा इन्होंने करना है, व्यूज़ मिलना है, इन्होंने महवेश ने पहले ही कहा था मैंने घर बनाना फ्याज की तरह का, आप मेरी सपोर्ट करें, आप मुझे देखें, तो फिर उसने देखा कि अगर नहीं इस तरह देख रहे तो फिर कोई बात नहीं, हम दूसरे तरीके से काम कर लेते हैं, काम तो करना है। तो जब इसने ये ड्रामा उठाया तो अब अब्बास की चित्रोल लोगों ने शुरू कर दी है, अब्बास वीर की, जो लोग उसको कोई जाहिल कह रहा है, कोई इसको कह रहा है इसको तो बोलने की तमीज़ नहीं है, इसको तो ये नहीं, इसको तो वो नहीं, हालांकि कभी आज तक अब्बास को ऐसे अल्फाज किसी ने नहीं बोले। तो ये महवेश की मेहरबानियाँ हैं, ये महवेश की करम नवाजियाँ अपने हस्बैंड की इज़्ज़त करवाने के लिए, उसकी हौसला अफजाई करवाने के लिए, के किस तरह के लोग उसको इनामात दे रहे हैं। और कुछ लोग तो देखे, देखने वाले जो हैं वो क़यामत की निगाह रखते हैं, उनकी मर्ज़ी है वो आपकी वीडियो को किस नज़रिए से देखते हैं, और जिस तरह से ये शुरू से लेके आज तक टॉपिक चल रहे हैं, ड्रामे हो रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है, पता है उन्हें कि ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये फेक करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, लेकिन ये लोग नहीं बात आते। तो फिर देख लें, उन्होंने कुछ लोगों ने अब्बास को गलत कहना शुरू कर दिया कि अब्बास गलत है, तो जो जो हुमैरा है वो गुड है, और ये जो है ये ओवर क्लेवर है, ये क्लेवर मतलब ओवर क्लेवर कर रही है, ये कुछ ड्रामा सही नहीं कर रही। तो सबको पता है कि ये देखे, कभी भी कोई भी बहन होती है ना, जब उसको पता चलता है मेरे भाई के घर में लड़ा है, जो हुमैरा है वो गुड है और ये जो है ये ओवर क्लेवर है, ये क्लेवर मतलब ओवर क्लेवर कर रही है, ये कुछ
ड्रामा सही नहीं कर रही, तो सबको पता है कि ये देखे कभी भी कोई भी बहन होती है ना, जब उसको पता चलता है मेरे भाई के घर में लड़ाई पड़ गई है, तो वो कभी भी अपनी भाभी को इतना अप्रिशिएट नहीं करती। उसकी कोशिश होती है मैं जिस तरह भी करूँ ठंडी बातें करके अपनी भावज को समझाऊँ और उसका घर बसने देना चाहिए, क्योंकि अब वो एक बच्चे के वालदैन बनने वाले। और वो बेहयाई की बात सुन लें जी, अब्बास ने वीडियो बनाई है तो मेरा भी, मेरा नहीं पूछा, अपने बच्चे का ही पूछ लेता, अपने बेबी का ही पूछ लो। हद हो गई है भाई, तुम लोगों ने तो बेबियों को खिलौना बना दिया। अभी एक बेबी का आप लोगों के घर ड्रामा चल रहा था तो आपने दूसरे बेबी का ड्रामा शुरू कर लिया। वाह भाई वाह, लोगों के घरों में तो कभी बेबी हुए ही नहीं है, तुम लोगों के घर ही तो बेबी हुए हैं, जो तुम लोग पूरे ज़माने को दिखा रहे हो और अपने शोहरों की बेइज्जतियां करवा रहे हो। अल्लाह ताला माफ़ करे जी, ऐसा पैसे कमाने पे लानत भी आई थी। हम लोग तो जो अपने रिश्तों को तार तार किया जाए, उनको रिसवा किया जाए, उनको जलील ख्वार किया जाए, लेकिन ये भाई इनके लिए सारा कुछ जायज़ है। ये लैया के लोग हैं, ये अपनी वीडियोस को चलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनको आप कभी भी नहीं कुछ समझा सकते, क्योंकि इन लोगों ने समझना नहीं, इन लोगों की अपनी सारी किया किराया होता है और ये जो लोग करते हैं तो इनको कुछ नहीं बंदा कह सकता। तो अगली जो लड़ाई वो इंशाल्लाह ताला अगला मेरा रिएक्शन होगा हुमैरा पे, जो हुमैरा ने आसिया को कहा है कि अपनी ज़ुबान को रखो बंद वरना मैं आपके पोल खोल दूँगी। अब जी देखें अब कौन से पोल खोलने वाली है, जो है हुमैरा उसके पोल खोलेगी, अपनी भाभी ये जो बड़ी भाभी है जिसको वो दुआएँ दे रही थी, उसकी बच्ची को भी दुआएँ दे रही थी, अब वो उसके सारे पोल खोलने वाली है। तो जी देखते हैं अब कौन कौन से नए पोल खुलते हैं जी, क्या बनता है क्या नहीं बनता। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम आपको दुआएं देते हैं, अपनी दुआ में आप हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।